नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अहमदाबाद के गुलबर्गा सोसाइटी केस में 24 दोषी करार, बीजेपी पार्षद समेत 36 बरी, 6 जून को होगा सजा का ऐलान। जाकिया जाफर ने कहा, मिला आधा न्याय, लड़ाई जारी रहेगी। राहुल के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के अटकलों के बीच बीजेपी की चुटकी, कहा कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प होगा और भी मजबूत, बीजेपी के आएंगे अच्छे दिन। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के नाम पर फ्रॉड, पीए बताकर ठगे 20 लाख रुपए, सरकारी कोटे से एमबीबीएस की सीट दिलाने का दिया था झांसा। भंडारी वाड्रा ईमेल में नया खुलासा, शारजहां की कंपनी ने खरीदा है लंदन का फ्लैट, इनकम टैक्स से मांगा मालिकों का नाम। और दिल्ली के लोधी रोड पर बनेगा कॉमन सेक्रेटरियट, सभी मंत्रालय होंगे एक साथ, सेंट्रल पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट ने तैयार किया मसौदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ओडिशा के बालेश्वर में एक जनसभा में विकास पर्व के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इस धरती में भविष्य के भारत के सपने पल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरी सरकार देश के गरीबों को समर्पित है। इसका सीधा मतलब है कि देश का कोई प्रदेश, कोई इलाका विकास में पीछे नहीं छूटना चाहिए। देश के हर क्षेत्र में संतुलित विकास हो और हर किसी को इसका लाभ मिले। आखिर सरकार किसके लिए होती है? सरकार की जरूरत होती है। सरकार की डगर डगर पर अगर किसी को जरूरत होती है तो वो गरीब तबका है। गरीब बीमार होता है तो उसे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अगर सरकारी अस्पताल सही होगा तभी अच्छा इलाज होगा। दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके जो देश की 2400 घंटे चिंता और चर्चा करते हैं, उन लोगों को शायद इस बात का अंदाज नहीं होगा, ऐसी चमचमाती धूप में ये बालासोर का नजारा न कोई चुनाव है, न कोई जन आंदोलन है, न कोई मांग है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जनसागर सिर्फ प्रेम बरसा के बिना इनको और कोई इरादा नहीं। घर में माँ भी अपने बच्चों को पुचकारती है, जब उनको शाबाशी देती है, जरा उनका प्रोत्साहन करती है, तो छोटा बालक भी उत्साहित होकर के और अधिक ताकत से दौड़ता है। लेकिन जब ईश्वर का रूप जनता जनार्दन स्वयं उसके एक प्रधान सेवक को पुचकारने के लिए इतना कष्ट उठाती हो, तो फिर प्रधान सेवक को दौड़ने की ताकत भी बढ़ जाती है। मैं भगवान जगन्नाथ की धरती पर आया, ये भगवान जगन्नाथ गरीबों का देवता है, ये हमारा भगवान जगन्नाथ खिचड़ी भी खाता है और कड़ा भी पीता है, क्यों? हम गरीबों का देवता है। और ऐसे भगवान जगन्नाथ की धरती पर मैं धरती को शत शत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। महाकवि कालिदास ने
कलिंग के राजा को लॉर्ड ऑफ द सी महोदधिपति कहा था। कालिदास ने यहां का वर्णन ऐसा कहा और कलिंग का प्राचीन बंदरगाह ये हमारा बालेश्वर शहर हुआ करता था। जिसकी गोद में इतिहास भी पला है, संस्कृति भी पली है और उज्जवल भविष्य भी पला है, ऐसी इस धरती को मैं नमन करने आया। भाई बहनों, मैं भविष्य का इसलिए कह रहा हूं कि हमारा बालेश्वर एक प्रकार से मिसाइल सिटी भी है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक कर्मभूमि रहा है और इसलिए इस शहर का आधुनिक विश्व में भी स्थान है और आधुनिक भारत के सपने इसकी गोद के अंदर पल रहे हैं। ये जगन्नाथ की धरती है और मेरा जन्म सोमनाथ की धरती पर हुआ। गुजरात में महात्मा गांधी ने देश की आजादी का आंदोलन जब चलाया, हमारे देश में अंग्रेजों ने प्रवेश किया था गुजरात की धरती सूरत से और महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह करके दांडी की यात्रा करके सूरत के ही नजदीक में दांडी की धरती से अंग्रेजों को खदेड़ने में पूरे हिंदुस्तानियों के दिल में एक नया जज्बा, नया विश्वास पैदा किया था। और जब महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह कर रहे थे, उसी समय इसी धरती पर इंचुड़ी में वैसा ही नमक सत्याग्रह करके अंग्रेजों को ललकारा गया था और इसलिए आजादी के आंदोलन में इस धरती का वही एक महत्व रहा है जो हमें सदा सर्वदा प्रेरणा देता रहा है। जलियांवाला बाग, पंजाब की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन यही मेरा उड़ीसा था जहां पर हमारे इरम में इरम की मट्टी जो हमारी आजादी के आंदोलनकारियों के रक्त से आभूषित हुई थी, उस इरम की धरती को भी मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों, देश आजाद हुआ, देशी रियासतों को भारत की एकता के लिए जोड़ना था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जब विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे तब इसी की धरती का नीलगिरी ये पहला रियासत था जिसने भारत की एकता का बीड़ा उठाया था, झंडा उठाया। संस्कृत भागवत के आदि टीकाकार जगत गुरु श्रीधर स्वामी की धरती को और श्रीधर स्वामी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं महान कवि दिन कृष्णदास, अभिमन्यु सामंत, कविवर राधानाथ राय, व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति को नमन करता हूं। ओडिशा
मुकुंद प्रसाद दास, उत्कल केसरी, हरे कृष्ण मेहताब, राजा बैंकुट नाथ दे, विप्लवी बागा जतीन को मैं आज प्रणाम करने आया खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से, तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।